सबने भूख ली, हमने कुछ नहीं, अपने हाथ जोड़ के आप बैठिए, आप हमने या ठीक है, आप पहले मुझे नहीं नहीं आप पहले बताइए, पहले मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये बालिका देख लेगा बाहर मुर्दा बाहर नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स पर, मैं हूं फौजान। सरकारी विभाग घोटालों और भ्रष्टाचार से अक्सर लिप्त पाए जाते हैं। इसी फेहरिस्त में रायबरेली की नगरपालिका अध्यक्षा पूर्णिमा श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगे हैं। नगरपालिका परिषद रायबरेली में हो रहा सभासदों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। नगरपालिका अध्यक्षा का विरोध कर रहे सभासदों ने आज बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया और सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन करने बैठ गए। आपको बता दें कि रायबरेली नगरपालिका अध्यक्षा पूर्णिमा श्रीवास्तव के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए सभासदों ने बोर्ड की बैठक का विरोध तक कर दिया और नगरपालिका अध्यक्षा मुर्दाबाद की नारेबाजी शुरू कर दी। वहां मौजूद सभी सभासदों का कहना है कि नगरपालिका अध्यक्षा आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो सिर्फ ठेकेदारी और ठेकेदारों को संरक्षण दे रही हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही सभासद पूनम तिवारी ने कहा है कि सभासदों ने 25 लाख रुपए का बजट अध्यक्षा के लिए पास करवाया था, जिसका वह निजी उपयोग कर रही हैं, जिसे सभासदों ने प्रस्ताव पारित करवा कर वापस करवा दिया। इसी के बाद अध्यक्षा पूर्णिमा श्रीवास्तव बोर्ड की बैठक से उठकर बाहर निकल गई। नगरपालिका की बोर्ड मेंबर हूँ पूनम तिवारी। कल 4 साल से बोर्ड बैठक में सिर्फ अध्यक्ष महोदय द्वारा मनमानी करती जा रहे करते चले आ रहे हैं लोग। एक बार भी बोर्ड बैठक आज तक पूर्ण नहीं हुई। अब कल हम लोगों ने हमारे प्रतिनिधि मंडल ने सभासद प्रतिनिधि मंडल ने ईओ से बात की तो ईओ ने कहा कि पूरी बैठक होगी, मेरा आश्वासन है। मैंने कहा अगर न हो मैं डीएम को लिख के दूं। बोले कि नहीं पूरी बैठक होगी, मैं पूरा आश्वासन देता हूं, जिसका वीडियो मैं अभी आपको दे रही हूं। आज सभी सभासदों के सर्वसम्मत से हमारे 25 सभासदों ने ये प्रस्ताव दिया है कि जो 25 लाख का पावर हम लोगों ने दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय को, वो निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष महोदय बीच में ही बोर्ड बैठक छोड़कर भाग गई है, ये उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। या तो आज की बोर्ड बैठक निरस्त करें या तो पुनः बोर्ड बैठक चालू करें। 25 लाख का पावर माननीय बोर्ड बैठक द्वारा 6 जनवरी 2018 को अध्यक्ष महोदय को दिया गया था, जिसका वो दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थ के कामों में करती, बोर्ड के एक भी काम में नहीं लगाती है। आरोप यहाँ लगाया गया कि कुछ नगरपालिका कर्मचारी भी ठेकेदारी कर रहे हैं। नगरपालिका के कर्मचारी ठेकेदार, नगरपालिका के कर्मचारी के विषय में नहीं, नगरपालिका में ठेकेदारों द्वारा ठेकेदारी की जाती है, जो माननीय अध्यक्ष महोदय के आदमी है, अध्यक्ष महोदय के जो आदमी है उनके द्वारा किया जा रहा है। वैसे तो सभी सभासद निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि नगरपालिका अध्यक्षा पूर्णिमा श्रीवास्तव कैसे खुद पर लगे आरोपों का खंडन करती हैं। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जन संदेश टाइम्स पर। हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।